मन्नत, मैंने तुमसे बातें करने के लिए कॉल की थी और तुम ओके आप ही से बाहर ही नहीं आ रही। तो मैं बातें करती रही हूँ। मुझे तुमसे हमारी बातें करनी, मन्नत और मुराद की बातें। उसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हारे अब्बू जी जिंदा होते तो उन्होंने बनाना तो ये हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला आप यूं समझ लीजिए अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात, हक है हमारा। बुरा ना मनाना वड्डे पाजी, तुसी हक नहीं मंगन दे, इस तरह लग रहा है साड़ी बिस्ती करन दे हो। तो आप ऐसी बात ही मत कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। हमें तो बहरहाल अपनी बेटी की भलाई का सोचना है। मौलाना, हम अपने फैसले पर कायम हैं। लो भाई, ये अच्छी जबरदस्ती है। ठीक है फिर, अगर आपका ये ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक मेहर पर होगा, वरना फिर। वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं, और हमने आपकी मर्जी का चेंज दिया था आपको, अब अगर निकाह होगा तो इसी हक मेहर पर होगा वरना नहीं होगा। बस बहुत बेइज्जती कर ली है आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रोक सकती। चल भाई मुराद, और साथ।